सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। और ये है रियलमी पैड एक्स, जिसे मैंने काफी मतलब 1 महीने पहले मैंने खरीदा था काफी रिसर्च करने के बाद। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या इसे खरीदना चाहिए, क्या ये सही है एक इन्वेस्टमेंट, मतलब जिन लोगों को पैड चाहिए खरीदना है उनके लिए ये बेस्ट पैड है, या फिर आप किसी और पैड की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने इसके मतलब 1 महीने यूज करने के बाद कुछ इसकी मतलब क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो भी नोटिस किया हूँ। और एक ये जो है डील, ये क्या मतलब वॉल्यू फॉर मनी हो जाती है, ये नहीं होती है, इस बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं हूँ संदीप प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक संदीप। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिले। 8340 mAh की बैटरी है और यहाँ पे 33 W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब बैटरी और चार्जिंग के मामले में ये बेस्ट डील है, क्योंकि ये जो मेरे पास जो वेरियंट है ये है वाईफाई वाला, लेकिन जो कि इसका जो प्राइस है वो 15,999, मतलब 16,000-17,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन इसी में जो सिम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस डायरेक्ट 10,000 रुपये ज्यादा, मतलब वो 25 से 26 हज़ार के बीच आपको मिलता है, जो कि एक वो जो डिवाइस है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। लेकिन आप अगर इसे खरीदते जो कि वाईफाई वाला वेरियंट है, तो आपके लिए मतलब बेस्ट डील बन जाती है। 16,000-17,000 के आसपास आपको बढ़िया एक डिवाइस मिल जाता है। अब हम सेकेंड बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले यहाँ पे हमें करीब 10.95 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, ऑलमोस्ट आपको 11 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि फुल एचडी डिस्प्ले है। और यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मतलब मेरे हिसाब से ये बेस्ट है डिस्प्ले के मामले में। जिस तरीके से मैंने यूज किया मुझे लगा मतलब डिस्प्ले में इसमें कोई कमी नहीं है। व्यू एंगल भी काफी बढ़िया, मतलब किसी भी कोने से देखेंगे आपको अच्छा दिखेगा। डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है, इसके जो बेजल्स है वो भी काफी ज्यादा कम है। कई मामले में होता है कि बेजल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो बेजल्स है बिल्कुल नॉर्मल है, जितने होने चाहिए एक डिवाइस में उतने ही इसमें बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ज्यादा बेजल्स रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम रहेगा तो फिर अनवांटेड टच आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप हाथ में पकड़ेंगे तो गलत तरीके से कहीं इधर टच हो जाएगा कहीं उधर टच हो जाएगा, ये देखने को मिल जाता है। और मैं इसमें नेक्स्ट अगर प्रोसेसर की बात करता हूँ, प्रोसेसर यहाँ पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का मिल जाता है 695, जो कि एक 5G चिपसेट है। और यहाँ पे हमें 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोसेसर के भी मामले में बढ़िया, मतलब आपकी जो छोटी मोटी चीजें नॉर्मल गेमिंग को हटा के गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गेमिंग में अगर आप गेमिंग के लिए खरीदेंगे तो आप इसमें नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, जो कि आप 20 से 25 हज़ार के स्मार्टफोन में करते हैं। उस तरीके से आप इसमें भी उसी तरीके गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी के जो आपके डेली के काम है, आप कोई काम करते हैं वर्क वगैरह ऑफिस का काम है या फिर दूसरी चीजों का भी काम है, छोटी मोटी इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं वीएन वगैरह सॉफ्टवेयर से, या भी कोई भी सॉफ्टवेयर से इसमें एडिटिंग भी काफी बढ़िया हो जाती है। 4K भी थोड़ा बहुत संभाल लेता है ये। लेकिन इसके अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ, यहाँ पे मतलब काफी अच्छी चीजें यहाँ पे कर लेता है जो एक फोन करना चाहिए। लेकिन बाकी के आप अगर इसे प्रो लेवल में यूज करेंगे तो वो ये प्रोसेसर उस काम के लिए नहीं बना है। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर है ये मैं बोलूंगा बेस्ट प्रोसेसर प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और मेरे हिसाब से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई प्रोसेसर में। मेरे सारे काम ये हैंडल कर लेता है बिल्कुल इजीली। और यहाँ पे हमें एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है 12, जो कि एक दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत नहीं है लेकिन हमें 13 का अपडेट मिलना चाहिए था, रियलमी को ये करना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें 13 का अपडेट नहीं मिला। अब तो 14 भी आ रहा है, लेकिन 14 चल रहा है, लेकिन इसमें 13 का तो कम से कम अपडेट दे देना चाहिए था। और ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये है 464, जो कि मैंने अपने सिर्फ काम के हिसाब से लिया, ना कि कोई इसमें डाटा स्टोरेज रखना है मुझे, मैं सिर्फ अपने काम करने थे जिसकी वजह से मैंने 464 वाला वेरिएंट लिया, जो कि एक अच्छा है और अच्छे से सारा काम कर देता है। और अगर मैं इसका डिजाइन की बात करूँ तो डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं काफी बेस्ट डिजाइन है और काफी बढ़िया डिजाइन है मेरे हिसाब से। डिजाइन के मामले में ये मतलब कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती है और बेस्ट है। और इसमें जो सिम तो डलती नहीं है, लेकिन आप इस पे वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं। काफी बढ़िया फीचर्स भी दिए गए, मतलब कैमरा जो है आपको फोकस में ही रखेगा, कैमरे भी इसमें अच्छे, मतलब दिन में तो काफी बढ़िया वर्क करते हैं, बस नाइट में है जो फ्रंट कैमरा थोड़ा फेस अनलॉक नहीं करता है, और मतलब दिन में तो आप कैसे भी इसे यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी क्लैरिटी है कैमरे की भी। लास्ट में मैं अपना ऑप्शन दे मतलब ओपिनियन देना चाहूंगा कि आप इसे खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए कोई मनाही नहीं है। मतलब अगर आप अगर 15,000-16,000-15,000 के आसपास कोई डिवाइस देख रहे हैं, टैबलेट देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। लेकिन अभी और भी आ गए हैं जिसमें आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ दी गई है काफ़ी बढ़िया दी गई है, और इसका डिस्प्ले और व्यू एंगल काफ़ी मस्त है, और ये काफ़ी बड़ा टैबलेट है, जो कि बहुत बढ़िया बात बन जाती है आपको मतलब डिस्प्ले के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी मस्त ऑप्शन है, मतलब आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एक साथ 2-3 चार्ट लगा सकते हैं, फोन और टैबलेट से आप बढ़िया ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और
ये थी कुछ बातें मेरी तरफ से। तो अच्छा है, अगर आप खरीद सकते हैं, इसे खरीदने लायक है तो आप खरीद सकते हैं, ये बेस्ट डिवाइस है। बाकी आपकी इच्छा, आप और भी इस प्रोडक्ट में ढूंढ रहे हैं तो काफी भी, हॉनर का भी आ गया है, Tab 8 और Tab 9 है हॉनर के भी, लेकिन हॉनर अलग है एक, ये रियलमी का अलग है, आपकी इच्छा। लेकिन मेरी तरफ से ये डिवाइस जो है बढ़िया है।